हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुज त्यागी एक बार फिर आप लोग के सामने अपनी एनोरेक्टल सीरीज़ में फिस्टुला रिलेटेड वीडियोस लेकर के आया हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैं संजय नगर सेक्टर 23 में प्रैक्टिस करता हूँ, गुदा रोग विशेषज्ञ हूँ, क्षारसूत्र चिकित्सा करता हूँ। दोस्तों, आज मैं अपनी सीरीज़ में जो है आप लोगों को फिस्टुला रिलेटेड एक फिस्टुला के बारे में बताना चाहता हूँ। ये फिस्टुला जो है एक होर्सू फिस्टुला होता है, और होर्सू फिस्टुला का जैसे नाम से ही पता चलता है कि घोड़े की नाल या होर्सू घोड़े का जूता जैसे होता है, एक शेप में होता है। वो हमेशा आपने देखा हो कि वो इस तरह से होता है, हाफ कर्व चंद्राकार जो है इस तरह से होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा गुदा मार्ग है, अगर हम गुदा मार्ग को इस तरह से डिवाइड कर दें घड़ी की तरह 12 और 6 पे, और इस तरह से देखें उसे, तो या तो पूंछ की पीछे की तरफ, जो पूंछ हम लोग पूंछ बोल देते रीढ़ की हड्डी का सबसे लास्ट का हिस्सा है, कॉकिक्स जिसको कहा जाता है, या तो उस तरफ का हिस्सा, या फिर आगे आगे की तरफ का जो जेनिटल ऑर्गन्स की तरफ का हिस्सा होता है उसमें। ये आगे की तरफ भी हो सकता है या पीछे की तरफ भी हो सकता है। गुदा मार्ग के जो सर्कुलर एरिया है, गुदा मार्ग के जैसे ये गुदा मार्ग है, तो इस सर्कुलर एरिया के यहाँ पर अगर या तो इस तरफ पहले एक बार सूजन बनती है, थोड़े समय के बाद वो मवाद जो है, पस जो है, वो साथ साथ इस तरह से घूमते हुए दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है, और वो इस कुल्हे पे भी इस तरफ भी सूजन आ जाती है। तो इस वजह से ये दोनों तरफ ही सूजन आ जाती है और दोनों तरफ का एब्सेस बन जाता है। लेटर ऑन ये एब्सेस, ये फोड़ा, ये अपने आप ही साइमेंटेनसली फूट जाता है, या फिर हम जब इतना बहुत ज़्यादा सीवियर पेन और फीवर के साथ में आता है, जब शुरुआत में एब्सेस होती है तो राइगर्स चिल्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा फीवर आता है, उसके बाद में या तो ये अपने आप ही फूट जाता है, या फिर इसमें चीरा लगा करके इसको डॉक्टर जो है इसको ड्रेनेज IND कर देते हैं नॉर्मली। उसके बाद में भी अगर इसका कम्युनिकेशन गुदा मार्ग में अंदर है, तो इसका कम्युनिकेशन अगर हम पीछे की तरफ समझ चलें घड़ी में, कि 6 o'clock से इसका ओरिजिन है, और वो एक तरफ बार इधर से 6 o'clock से एक बार इधर 4, 3, 2 की तरफ जो है, और दूसरा वाला इधर 7, 8, 9 की तरफ हो सकता है। दोस्तों, इसी वजह से अब क्योंकि दोनों तरफ बन गया है गुदा मार्ग की ये है, तो यहाँ से ये दोनों तरफ बन गया है फिस्टुला, तो ये घोड़े के नाल की तरह हो गया, जैसे कि आप इस फोटो में डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ये ऐसे ही इसी तरीके से फिर ये आगे भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो दोनों ही तरफ में खास तौर पर बनता है। पहले जो इसका ट्रीटमेंट की बात करें अगर, तो पहले जो इसका ट्रीटमेंट था वो सिंपली या तो इसका दोनों बटक्स का एक गंदी बड़ी गंदी शेप आती थी जख्म के भरने के बाद, दोनों तरफ जब चीरा लग जाता था, और या फिर इसको फिस्टुला को जो है निकाला जाता था, तो पहले बहुत ही गंदी शक्ल, मतलब बटक्स जो है देखने वाली ही स्थिति नहीं लगती थी। हम लोग चाहे भले ही कह दें लेकिन कि भाई ये इसका पता तो नहीं चलता है, लेकिन जिसको ये दिक्कत होती है उसकी गुदा मार्ग जो है वो बड़ा बदसूरत हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर वो तो हुआ पुराना कन्वेंशनल मेथड हो गया कि बहुत ज़्यादा काट पीट होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर शारसूत्रा इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो है इसका ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू इसको किया जाता है इसमें। लेकिन ये एक ट्रेडिशनल जोन था कि इसमें दोनों तरफ से थ्रेड चलाए जाते थे, जहाँ पर होता था घोड़े की नाल में, जो ऐसे मैंने बताया ना कि इस तरफ से, तो उसमें इस तरफ से भी थ्रेड चलाया जाता और उसमें इस तरफ से भी थ्रेड चलाया जाता, तो कन्वेंशनल मेथड के तौर पे। लेकिन अभी जो है इसमें सिंगल ओपनिंग विंडो बना करके भी इसमें इफ्टैक टेक्निक के जरिए, जो कि BHU फेमस इफ्टैक टेक्निक है, और अब आपके ये आपके अब गाजियाबाद में भी अवेलेबल है, तो इसमें BHU फेम जो टेक्निक है, इंटरसेप्शन ऑफ फिस्टुला ट्रैक एंड एप्लीकेशन ऑफ शारसूत्रा, इसके थ्रू इसको सिंगल विंडो से ही मैनेज किया जा सकता है, और काफ़ी अच्छी टेक्निक है। इससे काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, और सिंगल विंडो टेक्निक से इसको कवर किया जाता है। तो जो वो गंदी सी कटी हुई जो बटक्स होती थी, जो एक बदसूरत स्कार आते थे, अब उनसे भी छुट्टी मिल जाती है मरीज को, और जल्दी से ठीक भी हो जाता है, क्योंकि दोनों ही बटक्स पे, दोनों ही कुल्हों पे सूजन रहती है, मवाद बनती है, जख्म बड़े होते हैं, तो अंदर की गहराई से उन जख्मों को, उन मांसपेशियों को तैयार होने में, जख्म को भरने में जो समय लगता है वो तो होता ही है, लेकिन अभी काफ़ी अच्छे से, काफ़ी क्योरिटी के साथ में कवर कर लिया जाता है। दोस्तों, संजय नगर सेक्टर 23 गाजियाबाद में आपके सेंटर पे जो है ये अब फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि पुराने दिल्ली NCR में सबसे ज़्यादा इसमें इफ्टैक टेक्निक जो है अभी तक अवेलेबल नहीं थी, वो अब आपके यहाँ पर सिंगल विंडो टेक्निक, इफ्टैक टेक्निक अवेलेबल है। और अगर आप लोग को मेरी ये नॉलेज, मेरी ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जेनरली को जो मैं यहाँ पर आप लोग के सामने वीडियो में हूँ, और वही मेरा
पेशेंट्स के साथ में जो है इंटरेक्शन रहता है। और जनरली आप लोग अगर इस तरह से कोई भी बीमारी से, एनोरेक्टल की कोई भी पाइल फिस्टुला से ग्रसित हैं, तो आप आकर के हमारे सेंटर पे अपने बीमारी को दूर करा के लाभान्वित हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।